शहीद अशफाकउल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र चिड़ियाघर के कार्यों का वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस दौरान वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने अधिकारियों से जू के कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी ली तथा जो कार्य पूरे नहीं हुए हैं उनको पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 27 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा चिड़ियाघर का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य वन संरक्षक पवन वर्मा, DFO अविनाश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा, अविनाश एक बार कंफर्म कर लो तुम। सर बात करनी थी इंग्लिश में, दो मिनट में कंफर्म करें। हां सर, होटल वाली भैया कितना सर तो बस वन टेकर तो है नहीं? नहीं सर, जो हमारे पास 121 एकड़ है, 150 एकड़ ये GDA की स्वामित्व में है, जिसको लीगल अथॉरिटी ने ये भी सर डायरेक्शन दिया था कि हम फ्यूचर में जो इधर एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यदि सर विजिलेंस की जांच रिपोर्ट भी आ गई है सर साथ में, जिसमें ये जानी है कि उनके स्वामित्व की जमीन है और इस पे NGD का ऑर्डर 2018 में आ चुका है कि वन विभाग को ये जानी है। तो सर दोनों जगह से कंफर्मेशन आ गया है, चीफ सेक्रेटरी सर की VC हुई थी कुछ दिन पहले, वहाँ पे इन प्रिंसिपल ये डिसीजन हो गया है कि ये जो 1.5 एकड़ है और वन विभाग को ही मिलनी है। थोड़ी सी तो मोडेलिटी इसके अभी काम चल रही है, जो कुछ ही दिनों में क्लैरिटी मिल जाएगी। एकड़ का एरिया चाहिए जी सर, ज्यादा बहुत अच्छा हो जाएगा 1 एकड़ में। उसपे 1600 करोड़ मांग रही थी सर फाइनली, फिर जब शासन में जब वन विभाग से सर, तो जब बैठक हुई सर तो चीफ सर थे सर उस समय, तो उसमें ये बात रखा गया ये जो है क्लियर है तो फिर कॉम्प्लिकेशन कहाँ है? फिर तुमको अब ये नहीं करना कि ये GDO जो है GDO वाले कहें कि हमें जमीन हैंडओवर करो, वीर को हैंडओवर नहीं किया, क्या कर रहा है इस प्रदेश के? तो मैं आपके साथ ही आता हूँ। ये तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कर्मयोगी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की कर्मभूमि पे जो आशीर्वाद दिया है, उन सारे आशीर्वाद में इतनी ताकत थी क्या देश के माने जाने चिड़ियाघर का 2009 के बाद आपने देखा होगा दशकों तक जिसकी कोई पूछ और पहचान नहीं थी, आने वाले दिन में न केवल पूर्वांचल में बल्कि प्रदेश और देश में इसकी पहचान चिड़ियाघर की होगी। ये केवल और सिर्फ केवल माननीय मुख्यमंत्री के प्रयास से ही संभव हो पाया है।